दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं प्लास्टिक स्टूडियो का अपना चैनल। साथियों, हमारे साथ हैं प्लेक्सपो इंडिया 2024 के सेक्रेटरी मनसुख सांवलिया जी। आइए बात करते हैं प्लेक्सपो इंडिया 24 के बारे में। सर, प्लेक्सपो इंडिया 24 के आयोजन में बतौर सेक्रेटरी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो किस तरीके से आप इसके प्रमोशन में और तमाम एक्टिविटीज में किस तरीके की तैयारियाँ कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल सब प्रमोशन किए हैं तीन जगह पे। एक तो अहमदाबाद में लॉन्चिंग किया, दूसरा हमने राजकोट में किया और तीसरा हमने बड़ौदा में किया। फिर अभी सितंबर से हम सभी लगभग 22 जगह पे हम विजिटर प्रमोशन कर रहे हैं और लास्ट हमारा विजिट प्रमोशन अहमदाबाद में है 16 नवंबर को, वो लास्ट है। तब तक हम पूरा जो इंडस्ट्रीज के जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उसको हम फ्री में एंट्री देंगे विजिट का। और दूसरा हमारा जो अभी फिलहाल लार्ज 4 स्टोन तो एक्चुअली बुक हो गए हैं, पूरे 4 हॉल पूरा, यानी कि समथिंग 22,000 स्क्वायर मीटर हमारा बुक हो गया है। और सब लगभग ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने उसमें हिस्सा लिया है और अभी सब हमारा बुकिंग चालू ही है। ऑलमोस्ट हमारा कंफर्मेशन भी फाइनल हो गया है। प्लेक्सपो इंडिया 2024 में एग्जिबिटर्स या विजिटर क्यों पार्टिसिपेट करें, क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर प्लास्टिक इंडस्ट्री गुजरात में है तो सब ज़्यादातर समझो 60% लोग तो गुजराती है, उसमें से भी 40% तो अहमदाबाद की ही है और दूसरा नज़दीक है, अहमदाबाद के बगल में ही है, गांधीनगर में है। इसीलिए सबको क्या है कि कॉस्ट भी कम पड़ता है, बाहर जाने में थोड़ा कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और यहाँ अहमदाबाद के अंदर है इसीलिए उसको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। और दूसरा टोटल इंडस्ट्री समझो गुजरात के अंदर है तो विजिटर भी ज़्यादा आएंगे विजिट करने के लिए। और दूसरा हमारा प्लेक्सपो अहमदाबाद के अंदर लास्ट 2016 में हुआ था, फिर बाद में 2024 में हो रहा है, इसीलिए रश ज़्यादा रहे। विजिटर्स को किस तरीके की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराएंगे यहाँ? विजिटर को हम ऐसे तो समझो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो प्रोवाइड करेंगे,